भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, बात है 13 अक्टूबर 1948 की, जब पाकिस्तानी सेना ने रिचमाल गली, जो दक्षिण के तितवाल में स्थित है, पर बिना कोई चुनौती दिए भारतीय सैनिकों पर पीछे से हमला कर दिया। उस वक्त फॉरवर्ड पॉइंट पर मौजूद सूबेदार करम सिंह जी ने सिख बटालियन का नेतृत्व किया। दोस्तों, दुश्मनों की तरफ से खतरनाक फायरिंग के बावजूद करम सिंह जी ने रणभूमि में घूम घूम कर अपने साथियों का हौसला अफजाई किया। इस दौरान करम सिंह जी ने दोनों हाथों में जख्म भी झेले, फिर भी वो एक वीर भारतीय सैनिक का कर्तव्य निभाते रहे और युद्ध में एक के बाद एक दुश्मनों को धूल चटा दी। दोस्तों, ये 5 सैनिकों में से एक ऐसे सैनिक थे जिन्हें आजादी के बाद पहली बार तिरंगा झंडा लहराने का अवसर मिला। दोस्तों, ये पहले सूबेदार के पद पर थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले इन्हें कप्तान का पद दिया गया था। दोस्तों, 2 तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1944 और दूसरी 21 जून 1950, जब करम सिंह जी को मिलिट्री मेडल और बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे कई अवसर हैं जब इन महान भारतीयों के योगदान से हमारा भारत देश गौरवान्वित हुआ है। हम टीम मिक्स्ड माइंड की ओर से सूबेदार और कप्तान करम सिंह जी और शहीद हुए उनके साथियों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।